जिस व्यक्ति को रत्न के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, जो रत्न के बारे में विश्वास ही नहीं रखता कि ये पत्थर काम करते कि नहीं करते, उनको ये लगता है कि पत्थर, एक छोटा सा पत्थर पहन करके एक व्यक्ति पत्थर कैसे उसकी हेल्प कर सकता है। लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है। कई लोग अंधविश्वासी इसको बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे अरे छोड़ो यार ये बेकार की चीजें हैं, पत्थर पहनने से किसी की किस्मत नहीं बदली। एक एंगल से देखें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, मेहनत के ऊपर सब डिपेंड करता है। लेकिन मेहनत क्या करता है कि मेहनत सिर्फ इनपुट है, आउटपुट नहीं है। पहली बात, सेम कॉलेज से पढ़े हुए 10 प्रकार के लड़के, 10 लोगों का अलग अलग प्रकार की सोच है, सब लोग सेम काम करते लेकिन सबकी तरक्की सब कुछ अलग होता है। पहला कारण, सेम पढ़ाई है सब कुछ है तो सेम रिजल्ट आना चाहिए सबका, ठीक है, सेम ऐसा नहीं होता क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। पहला, रत्न का हमारे बॉडी पर कैसे प्रभाव पड़ता है बहुत आगे का सब्जेक्ट है, पर मैं उन व्यक्तियों के लिए पहले बताता हूँ कि रत्न आखिर काम कैसे करता हमारे शरीर पर, जो रत्न के बारे में बिल्कुल जानते नहीं या जो विश्वास नहीं करते। रत्नों का जो एनर्जी सोर्स है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करेगा चाहे वो पत्थर हो चाहे वो इंसान हो, हर एक को एक एनर्जी का एक सोर्स चाहिए। बिना एनर्जी के सोर्स के कोई चीज नहीं चलती। निर्जीव वस्तु नहीं चलती, हम तो फिर भी सजीव हैं, बिना खाना खाए हम नहीं चल सकते तो रत्न कैसे काम करेंगे। तो रत्नों का क्या रहता है कि एनर्जी जो सोर्स है वो है प्लेनेट की जो ऊर्जाएं पृथ्वी पर आती है कि उसे लेकर के हमारी बॉडी में पहुंचाने का वो काम करते हैं। पृथ्वी पर जो एनर्जी आती है, क्योंकि पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर अरबों किलोमीटर दूर ग्रह बैठे हुए हैं, शनि ग्रह ले लीजिए आप, प्लूटो ले लीजिए, बृहस्पति ले लीजिए, सब ग्रह बहुत दूर बैठे हुए हैं। पृथ्वी तक की दूरी वो कैसे नापते हैं उनके ऊपर है। अगर आप आकाश का मानचित्र देखेंगे तो उसमें क्या देखते हैं कि सूर्य बीच में हो, सभी ग्रह उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज घूमती है तो उसका जो ऊर्जा होती है वो बीच में जाकर के एकत्रित होती है, जो केंद्र होता है उसकी एनर्जी वहां से इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है। सूर्य जब उसकी परिक्रमाएं कर रहे होते तो सबकी एनर्जी सूर्य के समीप जाती है। अगर आप भारतीय ग्रंथों में देखेंगे, पूजा पाठ वाले ग्रंथों में, तो उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य सम्मुखे सर्वे ग्रह, मतलब सभी ग्रहों का जो मुख है वो सूर्य की तरफ है। दूसरी चीज, सूर्य का रंग जो है वो पीला या लाल आप मान सकते, लेकिन उसकी किरणों में 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं। तो बाकी के कलर कहाँ से आए? सूर्य तो है नहीं, बैगनी भी नहीं है, ऑरेंज कलर का आप बोल सकते हैं, चाहे व्हाइट बोलिए, रेड बोलिए, लेकिन बाकी के कलर कहाँ से आए? तो जो 7 रंगों का जो संबंध है ना, वो अन्य ग्रहों की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अब सूर्य की किरण जब पृथ्वी पर पहुँचती है तो वो पौधों पर भी पड़ती है, इंसानों पर भी पड़ती है, अलग अलग चीज़ों पर पड़ती है। इसमें बहुत सारे वैचारिक मतभेद हैं। कई विद्वानों का मानना है कि भाई जब जो हम खाना खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, जो भी हम करते हैं उसके थ्रू हमें ग्रहों की एनर्जी मिलती है। और कई लोगों का मत ये है कि ज्योतिषी जन जो बोलते हैं कि जैसी जो महादशा चल रही है उसी के अनुसार आपके शरीर में उस ग्रह की मात्रा कहीं ना कहीं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी वो वैसे वर्क करता है। तो रत्न यहाँ पे क्या करता है कि क्योंकि रत्न एक प्रकार से कलर थेरेपी है, ठीक है ना। आप नॉर्मल व्हाइट कलर के कपड़े पहन करके जाएंगे तो आपको शायद धूप कम लगे, आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाएंगे तो आपको ज्यादा धूप लगे क्योंकि वो एनर्जी को ज्यादा ऑब्जर्व करता है। प्रकाश से कलर थेरेपी है, लेकिन रत्नों में घनत्व कई गुना ज्यादा होता है, मतलब एक लेंस की तरह काम करते हैं, मतलब ग्रहों से आने वाली एनर्जी को वो एक केंद्रित कर देता है। जो रत्न जिसमें कलर की घनत्व ज्यादा है तो वो क्या करता है कि बाकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है और सिर्फ उसी एनर्जी को खींचता है जिस कलर का वो है। वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या होता है कि आप उसका रत्न भी देखे होंगे तो ऊपर से फ्लैट होते हैं, नीचे से माउंट होता है, मतलब जब भी उन पर कोई एनर्जी पड़ती है तो वो क्या करेगा कि ऊपर से एनर्जी को खींचेगा, बाकी के कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वो केंद्रित करके आपकी बॉडी से, चूंकि रत्न टच होता है और आपकी बॉडी से टच होने की वजह से वो आपके ब्लड में के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। इसको यदि कभी प्रैक्टिकली देखना हो कि भाई वाकई में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, उसके लिए आप अपना ओरा स्कैन करवा लीजिए और 2-4 महीने बाद रत्न धारण करने के 2-4 महीने बाद आप खुद का ओरा स्कैन करवाइए, आपको वो मात्रा बढ़ती नजर आएगी। और अभी तो ओरा स्कैन के लिए कैमरे भी ऐसे आ चुके हैं जिनमें आपके चारों तरफ का ओरा देखा जा सकता है कि कौन से कलर की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है उसमें देखा जा सकता है। एक तो ये कारण हो गया। और चूंकि रत्नों का जो बनने का जो प्रोसेस है वो हजारों सालों से वो रासायनिक तत्व उसमें मिक्स होते हैं, ये नहीं है कि वो नॉर्मल पत्थर नहीं है। अगर आप उनकी टेस्टिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जब आपके अंदर ऑरा आपका बढ़ता है तो क्या होता है कि जब भी आप जिस प्रकार के लोगों से मिलते हैं, वही व्यक्ति मिलते समय या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है या आपके अपोजिट चला जाता है, तो सारा खेल एनर्जी का है। मान के चलिए आप किसी इंटरव्यू में गए, आप पढ़ने में लिखे बड़े होशियार हैं, सब कुछ आपकी डिग्री विग्री सब कुछ है, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच के बैठ गया, कोई चीज़ उसको नेगेटिव हिट कर गई, तो शायद वो आपके लिए जॉब के लिए वो मना कर दे। वही रत्न पहन करके आप जा रहे हैं या फिर आप पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं जिसकी वजह से कुल मिला के आपकी ऑरा आपका पावरफुल बना हुआ है या फिर आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो सामने वाले व्यक्ति को पॉजिटिवली करती है।
अब बिना मेहनत के करना चाहे तो रत्नों का सहारा लीजिए, वरना आप मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। ग्रहों को मजबूत करने के लिए रत्न ही सब कुछ नहीं है, पर रत्नों का एक सरल रूप है कि आपको कुछ नहीं करना है, भाई होटल गए, बना बना खाना खाया और बैठ गए, नहीं तो घर पे सब्जी लेकर के आइए बनाइए, तो वो होता है मंत्र जाप। तो बस यूँ समझ लीजिए कि रत्न सिर्फ हमारे शरीर में एक प्रकार से ऊर्जा बढ़ाने का काम करते हैं, और जो हम उपाय वगैरह करते हैं वो उसे एनर्जी निकालने का काम करते हैं। और एक एस्ट्रोलॉजर का यही काम होता है कि वो देखता है आपकी कुंडली देख करके कि आपकी बॉडी में कौन सी ऊर्जा बढ़ानी है और कौन सी ऊर्जा कम करनी है, सारा खेल ऊर्जा का है। देखिए डॉक्टर का मतलब ये है कि एक परेशान व्यक्ति को ठीक करना है बस, चाहे वो साइकोलॉजी के थ्रू कोई डॉक्टर करता है तो कोई दवाइयों के द्वारा करता है, कोई योगा व्यायाम करवा करके व्यक्ति को मजबूत बनाता है, तो कोई आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति को बनाता है। अब रेकी वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे आप, एक ऊर्जा वो प्रवाहित करता है, क्योंकि ऊर्जा हर एक के शरीर में पैदा होती है लेकिन वो बिखरी हुई ऊर्जा होती है। जैसे कि आप समझते हैं, आपको ज्ञान होगा कि जो हमारा मस्तिष्क है वो गामा किरणें बनाता है, मतलब गामा किरणें निकलती है हमारे मस्तिष्क से। यदि वही गामा किरणें एकत्रित हो जाए, एक दिशा में उसका प्रवाह किया जाए, तो किसी भी वस्तु को हिलाया जा सकता है। जैसे अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 2-4 घंटे की मेडिटेशन के बाद में वो किसी भी निर्जीव वस्तु को हिला लेते हैं या अपने बॉडी से चिपका लेते हैं, तो वो ऊर्जा उनके पास कहाँ से है। तो ये सारा खेल मानसिक शक्तियों का ही है। एक रेकी वाला व्यक्ति मानसिक शक्ति के द्वारा ठीक करता है। अब एक्यूप्रेशर वालों को क्या कहेंगे, तो वो तो बिना दवाई के खेले आपकी खाली नस दबा करके वो कार्य करता है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली उसके लिए प्रभावी है। बस ये देखना होता है कि व्यक्ति कैसा बीमार है और उसको इलाज कैसा चाहिए। अगर आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति को, जैसे हमारे गांव में बोलते हैं ना, नज़र लग गई, इसकी आज तक कोई मेडिसिन ही नहीं बनी, उसके लिए आप क्या कहेंगे। गांव में माता जी जाती है, वो कभी कैसे झाड़ा लगा देती है, कभी मिर्चा ऊपर से घुमा कर निकाल देती है, वही बच्चा खुश नज़र आता है, लेकिन रिजल्ट तो दिखता है, भले उसको साइंटिस्ट कुछ माने या ना माने। तांत्रिक ऊर्जा के पास में लोग जाते हैं तो कोई झाड़फूकी कर देते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो नेगेटिव ऊर्जा जो है शरीर की उसको बस निकालने का काम करते हैं। आशीर्वाद वगैरह हम क्यों लेते हैं, आशीर्वाद का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ऊर्जा ही लेना है सामने वाले व्यक्ति से। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिवली बोलेंगे तो वो भी एक ऊर्जा निकल रही होती है, और ऊर्जा शरीर से दो ही रास्तों से ज़्यादा निकलती है, एक मुख से और अपनी आँखों से। इसलिए लोग बोलते हैं मौन व्रत रखिए ताकि आपका शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बच सके। अब आँखें बंद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, क्योंकि इससे ऊर्जा हम शरीर की खपत नहीं होती। व्यक्ति को कहीं ना कहीं ठीक किया जा सकता है। अब किसी की हड्डी टूटी हो तो उसमें एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, उसके लिए तो डॉक्टर ही चाहिए। किसी की नसें ब्लॉकेज हो तो उसमें आप मेडिसिन ले सकते हैं, अन्यथा आप एक्यूप्रेशर का सहायता ले सकते हैं, पर डिपेंड करता है बीमारी कैसी है तो उसका डॉक्टर कैसा है। पर कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर भी एक प्रकार से डॉक्टर की भूमिका निभाता है। एक तो आपने ये देखा कि रत्न जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और आपके बॉडी में पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ रत्न ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे मोती है, मूंगा है, चूंकि आपने देखा होगा मैंने भी पहन रखा है, ये अपने आप में ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर ये अपनी ऊर्जा कैसे देते हैं। कुछ प्लैनेट की एनर्जी तो हमें चाहिए, लेकिन कुछ प्लैनेट से संबंधित अपने आप रखते हैं, जैसे मोती है। मोती अगर देखेंगे तो चंद्रमा से संबंधित है। अगर मोती चंद्रमा की किरणों को लेने का काम नहीं करता, वो खुद अपने आप में ऊर्जावान है। जैसे हमारे रसोई में दो तरल पदार्थ यूज किए जाते हैं, सब्जी में तेल का प्रयोग किया जाता है और घी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि घी को खाने पर शरीर को ज्यादा बल मिलता है और तेल की मालिश करने से शरीर को ज्यादा बल मिलता है। अर्थात कुछ चीजें ऊपर तौर पे हमारे शरीर से सब संपर्क बनाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा, उसका लाभ मिलता है, क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली अलग प्रकार से है। उसी प्रकार मूंगा है, मोती है, इनकी कार्यप्रणाली अलग से प्रकार से है, क्योंकि ये खुद ऊर्जावान है। ये अपने आप में ऊर्जावान होने की वजह से क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि मोती पहना हुआ व्यक्ति शांत होने लगता है, क्यों होने लगता है, क्योंकि घर्षण से भी ऊर्जा शरीर में पहुंचाई जा सकती है, जैसे तेल की मालिश की बात मैंने आपसे की। अब मोती शरीर से चिपका होगा तो क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर कैल्शियम की मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा खास खाने से भी बढ़ाई जा सकती है और वैसे भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मोती का मेन सोर्स कैल्शियम है। अब शरीर में जब गुस्सा व्यक्ति का बढ़ता है तो उसमें पित्त की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और मोती पहनने से वो शांत होने लगता है। मूंगा क्या करता है कि मूंगा जैसे हमारे बॉडी से टच होता है तो ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, पहले से मात्रा उसकी बढ़ जाती है। उसी कारण से जो मूंगा रत्न है वो सिर्फ अपने शरीर के साथ संपर्क सिर्फ बना ले उतने में तो कार्य शुरू कर देते हैं। अभी कई लोगों के मन में आता है कि यदि कोई प्लैनेट से संबंध है इसका, रत्नों का, तो फिर सुबह पहन ले रात को उतार के रख दे, तो क्योंकि सूर्य की किरणों से संबंध है और सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर नहीं है तो वो रत्न काम करेगा कि नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं ना रात को सोते समय हमने उतार लिया लेकिन दिन में हमने फिर से पहन लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऊर्जा हमारे चारों तरफ प्रवाहित रहती है,
जो हमारे शरीर में जो एक ऑरा निर्माण हो चुका है वो कंटिन्यू बना रहा है, इसलिए रत्न कंटिन्यू पहन के रखना चाहिए। वही सब लोग जैसे सोचते हैं कि रात को उतार के रख दिया और सुबह फिर से धारण कर लिया, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्न हमारे शरीर के ऑरा को कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं उसके साथ ऊर्जा बना के रखता है। जो हमारे चारों तरफ ऊर्जा का एक ऑरा बना हुआ है, तो उसमें मतलब ऊर्जा, आपने रत्न उतार के रख दिया तो आपका ऑरा ऑलरेडी वैसा ही बना रहेगा, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो ना हो। तो अगर आपको रत्न का ज़्यादा फायदा चाहिए तो कंटिन्यू उसको पहन करके रखिए, उसको उतारिए मत। रुद्राक्ष कैसा है कि कुछ चीज़ें अपने आप में पवित्रता से जोड़ी जाती हैं, जिन्हें अपवित्र अवस्था में नहीं पहनना चाहिए। जहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा की बात आ जाती है, देखिए रत्न तो साइंटिफिक है, वो अपना किसी भी अवस्था में वो अपना काम करेंगे करेंगे। एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जब वो चीज़ जुड़ जाती है, तो उसमें फिर नियम जुड़ जाते हैं। जैसे रुद्राक्ष, रुद्राक्ष पवित्र वस्तुओं में आता है कि वो पवित्र है, उसे आप अपवित्र अवस्था में मत धारण कीजिए। सेकंड, आप देखेंगे तुलसी की माला है, आप उसको भी मत धारण कीजिए। ठीक है, आपने यदि कोई ताबीज़ या कुछ भी पहन रखा है, शरीर में कोई यंत्र धारण किया हुआ है, तो अपवित्र अवस्था में उसको भी मत पहनिए। कुछ चीज़ें अपवित्र अवस्था में कुछ हद तक चल जाती है कि भाई सुबह आप डेली तो हम हाथ में बांध के नहीं रख सकते ना, अब फिर से उतारेंगे फिर से पहन सकते, ऐसा तो कर नहीं कर सकते। रत्न वगैरह चल जाते हैं, लेकिन जब इसका सूतक का समय आता है तब ये चीज़ें भी व्यक्ति को दूर कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है। क्योंकि उनका जो मेन बल है वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो अपने आप में ऊर्जावान वैसे नहीं है। अब रुद्राक्ष को देखेंगे तो रुद्राक्ष को लोग जो धारण करते हैं या फिर रुद्राक्ष का जप करते हैं रुद्राक्ष की माला से, तो कहीं ना कहीं उनको रुद्राक्ष माला के पहले संस्कार करने का निर्देश दिया हुआ है। जितने भी ज्ञानी जन हैं, गुरुजन है, वो उनको को बोलते हैं कि पहले रुद्राक्ष की माला वगैरह सिद्ध कर लो फिर धारण कर लो। सिद्ध करने का संबंध यही है कि कहने के उसे एक ऊर्जा प्रदान की जाती है, ऊर्जावान बना करके फिर उसे धारण किया जाता है, इसलिए अपवित्र अवस्था में धारण ना करें। देखिए पुखराज जो सबसे अच्छा माना जाता है, देखिए रत्नों में क्या होता है कि जितना उसमें कलर की मात्रा जो उसका है वो ज़्यादा हो, और उससे भी ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट हो। सबसे अच्छा तो पुखराज श्रीलंका का माना जाता है, क्योंकि वो पीलापन तो लिया होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा होता है। और बैंकॉक के भी पुखराज आते हैं, जयपुर में भी पुखराज मिलते हैं, लेकिन जो बैंकॉक के आप पुखराज देखेंगे वो ज़्यादातर ज़्यादा डार्क होते हैं, डार्क उनमें पीलापन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पीलापन होने के साथ में जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे उतना फास्ट वर्क करेंगे वो आपके लिए। श्रीलंका के पुखराज में खास बात ये होती है कि ऊर्जा की मात्रा कई गुना ज़्यादा देखी गई है, जो भी लैब में टेस्टिंग या जो भी हुई हो ऐसा सुना है ये दोनों से। और दूसरा ये भी है कि उसमें शुक्र की भी ऊर्जा को खींचने की एक पावर होती है, श्रीलंका वाला डबल काम करता है, साथ में शुक्र और गुरु दोनों को ठीक करने का भी काम करता है। अगर किसी की कुंडली में हम देखते हैं कि सिर्फ गुरु को बल देना है, तो उसके लिए हम श्रीलंका का प्रेफर नहीं करते एक बार के लिए कि आप श्रीलंका का पहने हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि शुक्र भी उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए पुखराज श्रीलंका का ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। जिनको अपनी कुंडली के विषय में नहीं ज्ञान है, तो वो नाम के अक्षरों से अपना राशि निकाल करके वो रत्न धारण कर लेते हैं, और कईयों को नहीं पता है कि वो रत्न कौन सा धारण करे, कौन सा उनके लिए लाभदायक है। तो देखिए उससे सबसे अच्छा कार्य ये होता है कि कुंडली दिखवा करके आप, आपको क्या चीज़ चाहिए, मतलब आपको बिजनेस चाहिए या संतान को लेकर के समस्या है या फिर तरक्की को लेकर के समस्या है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हर एक अलग अलग रत्न निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक कुंडली के हिसाब से अलग अलग रत्न होते हैं। आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको आपके जन्म कुंडली की पूरी डिटेल दी जाएगी, और साथ ही आपको कौन सा रत्न किस कार्य क्षेत्र में कार्य करेगा उस विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम से 5 बजे तक।